नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ संस्था प्रधान यानी कि प्रिंसिपल को छाला दर्पण से कैसे रिलीव करते हैं। सब्सक्राइब पहले कर ले, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हो, सीधे वीडियो देख के डायरेक्ट काम पे लग जाते हो, तो सब्सक्राइब पहले कर ले, मेरा आपसे निवेदन है। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं, यहाँ पर छाला दर्पण में लॉग इन हो चुका हूँ और इसके बाद मैं संस्था प्रधान को कार्य मुक्त करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्कूल लॉग इन यानी कि पीओ लॉग इन कर ले। इसमें आपको स्कूल रोल ही रखना है, आपको पीओ रोल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं स्कूल रोल यानी कि सीनियर स्कूल का रोल ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दिख रहे ऑप्शन में हम कार्मिक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का ये ओपन हो चुका है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कार्मिक कार्य मुक्ति, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कार्मिक की, जिस कार्मिक को आप रिलीव करना चाहते हैं उसकी एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो उस कार्मिक का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख जाता हूँ, मैंने कुछ अक्षर टाइप किया, वो नीचे की तरफ उसका नाम आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, आपको कन्फर्म कर लेना है सही कार्मिक को सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कार्मिक आ चुका है, उसका नाम भी शो हो रहा है और साथ में एम्प्लॉय आईडी भी शो हो रही है। एक बार वेरीफाई करूंगा यही कार्मिक है। उसका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आ रहा है। अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और रिलीविंग रीजन यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। हम इसे रिलीव क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम स्थानांतरण को सेलेक्ट करेंगे, स्थानांतरण हुआ है इसलिए। आपको उपयुक्त कारण सेलेक्ट कर लेना है आप किस पर रिलीव करना चाहते हैं। तो मैं स्थानांतरण पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर। इसके बाद नीचे की तरफ आपको, आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, इस कंप्लीट फॉर्म को सही सही भरना है, आपको दोबारा चेक भी कर लेना है, इसके बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रिलीविंग टाइप में स्थानांतरण कर दिया है। ऑर्डर किसने दिया है, तो ऑर्डर आपको चेक कर लेना है, ऑर्डर किसका है, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर होता है उसके नीचे जिसके भी हस्ताक्षर हों स्थानांतरण आदेश के नीचे, उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे ऑर्डर में किसके हस्ताक्षर है और किसने साइन किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ उस ऑर्डर पर। सबसे पहले तो मेरे व्हाट्सएप में ऑर्डर पड़ा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार आपके सामने। आप यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं, ऊपर लिखा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्रम संख्या पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है जिस कार्मिक को सेलेक्ट करना है उस कार्मिक का नाम, ठीक है। तो इसका नाम मुझे मिल चुका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पास में विद्यालय का नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं कन्फर्म हूँ यहाँ पर। अब नीचे की तरफ चलते हैं, ये ऑर्डर किसका है उसको देखते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ पूरा स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ सबसे नीचे आ चुका हूँ। ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है गौरव अग्रवाल, IAS माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ठीक है। और ये जो ऑर्डर दिया है वो है संयुक्त निदेशक, ठीक है। नीचे की तरफ एक और हस्ताक्षर है जिसमें संयुक्त निदेशक बीकानेर, ठीक है। तो मैं वहाँ पर ऑर्डर बाय मैं सेलेक्ट करूंगा संयुक्त निदेशक। तो चलते हैं वापस छाला दर्पण पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिस्ट ओपन होता है। तो संयुक्त निदेशक यानी कि निदेशक को सेलेक्ट करना है, निदेशक ऑर्डर बाय में निदेशक सेलेक्ट कर लिया है, इन्हीं के द्वारा स्थानांतरण किया गया है और ऑर्डर पर साइन भी इनके हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर ऑर्डर नंबर डालना है, ऑर्डर नंबर आपको ध्यान रहे अंग्रेजी में डालना है। अगर आप हिंदी में डालोगे तो वो अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब हिंदी में डालोगे तो वो क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो आपको ऑर्डर नंबर शॉर्ट में डालना है जो कि PDF में दिख सके, ठीक है। तो पीछे पीछे के जो मुख्य मुख्य ऑर्डर नंबर और उसके आगे थोड़ा बहुत जो भी है उसे मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर के आगे लिखा हुआ है 45005, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे का मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना सारा उसमें आएगा नहीं। इसके बाद स्लैश है, इसके बाद स्थानांतरण है और पदस्थापन है, ठीक है। तो मैं उसी तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस तरह, ठीक है। वो स्थानांतरण को टाइप करूंगा मैं शॉर्ट में TRNS, ठीक है। ट्रांसफर हो गया शॉर्ट में। इसके बाद यहाँ पर ओब्लिक है, ठीक है। तो मैं ओब्लिक कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ। पदस्थापन लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टिंग, ठीक है। पदस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टिंग। इसके बाद स्लैश है तो मतलब मैं स्लैश कर देता हूँ, यहाँ पे है 2022, तो ये मैंने 2022 कर दिया। इसके बाद और भी हो तो मैं चेक कर लेता हूँ कुछ हो तो। तो यहाँ पर और तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, ऑटो कुछ इस तरह से है। एक बार पूरे को मैं ऊपर की तरफ चेक कर लेता हूँ। पास में यहाँ पर ऑर्डर की तारीख भी शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इस डेट को डाल देता हूँ 7/8/2022, उसी के अंदर देख सकते हैं ऑर्डर सेलेक्ट हो चुकी है 7/8/2022। अगर कोई मॉडिफाइड आदेश मॉडिफाई किया गया तो उसे सेलेक्ट करना है यहाँ पर, अदरवाइज इसे खाली रखेंगे आप। और रिलीविंग एट स्कूल, तो इसको सेलेक्ट करना है स्कूल से रिलीविंग का डेट, तो आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। रिलीविंग डेट फ्रॉम स्कूल, तो आज की डेट है यहाँ पे। और यहाँ पर आफ्टरनून, मतलब आज उन्होंने ड्यूटी पूरी कर ली है उसके पश्चात रिलीव कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है कंज्यूम CL, मतलब कितनी CL है इन्होंने यहाँ पर इस विद्यालय में इस सत्र में ली है, ठीक है। तो इस सत्र की CL है, आप उससे चेक कर लेंगे स्कूल उपस्थिति रजिस्टर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको चेक कर लेता हूँ एक बार, और इसके बाद वापस यहाँ पर कितनी CL ली है उसको
भर देता हूँ। तो जितने भी CLA कंज्यूम किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद जिस स्कूल के लिए रिलीव करना है उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, स्कूल का नाम सेलेक्ट। तो इस क्षेत्र में CL इन्होंने 0 लिया तो मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जिस डिस्ट्रिक्ट में इनका ट्रांसफर हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर अलवर है, ब्लॉक का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ बांसुर, ठीक है, तो मैं बांसुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो रही है, तो यहाँ से आपको स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आपको बड़े ध्यान से करना है, यहाँ पर तो मुझे स्कूल का नाम मिल चुका है, और साथ में ही मैं यहाँ पर मिलान करूँगा स्कूल का जो कोड होता है, यानी कि शाला दर्पण कोड, NIC कोड, उसको भी मिलान कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये इसका पीछे लास्ट में स्कूल का कोड भी शो हो रहा है, तो मैं इसे देख लेता हूँ, मिलान कर लेता हूँ ट्रांसफ़र आदेश से। तो मुझे स्कूल मिल चुकी है यहाँ पर, इस पर क्लिक करता हूँ तो स्कूल भी सेलेक्ट हो चुकी है, बड़ी आसानी से मैंने इसे कर लिया है। और अब यहाँ पर आप एक बार इसे चेक कर लेंगे, सबसे पहले रिलीविंग टाइप में स्थानांतरण कर दिया मैंने, ऑर्डर दिया है निदेशक ने, मैंने ऑर्डर पर चेक कर लिया था, ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेरे पास है तो मैं इसे मिलान कर लिया मैंने। ऑर्डर नंबर मिलान करने के बाद मैंने ऑर्डर की डेट यहाँ पर सही से सेलेक्ट कर ली है, जो कि है 7/8/2022। इसके बाद यहाँ पर आफ्टरनून सेलेक्ट कर लिया है बड़े ध्यान से। इसके बाद CLA इन्होंने 0 कंज्यूम किया, मतलब एक भी CL नहीं ली है इस सत्र में वर्तमान विद्यालय में। तो फिर मैंने यहाँ पर CL कंज्यूम में 0 कर दिया। इसके बाद इन स्कूल, यहाँ पर आपको स्कूल ही रहने देना है, स्कूल आ रहा है तो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक मैंने ध्यान से सेलेक्ट कर लिया, और स्कूल को भी सेलेक्ट कर लिया है, साथ में मैंने मिलान कर लिया है स्कूल के NIC ID यानी कि शाला दर्पण ID को। तो सब कुछ सही है इस स्थिति में, तो मैं यहाँ पर इसे सेव पर क्लिक करूँगा। एक आदेश जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। कन्फर्म करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इसे मिलान कर लीजिए आप यहाँ पर, तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए। आदेश क्रमांक अभी शो नहीं होगा, जब वो कन्फर्म करेंगे शाला दर्पण का आदेश क्रमांक तब शो हो जाएगा। इसके बाद जिस कर्मचारी को रिलीव कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है, बिल्कुल सही, एम्प्लॉय ID सही है, जन्म दिनांक सही है जो ऑटोमेटिक आ चुकी है। आदेश का स्थानांतरण यहाँ पर आ रहा है, पद ऊपर देख लेना आप क्या है, वो सही है बिल्कुल। इसके बाद आदेशकर्ता सही है, और ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर नंबर डाला है वो भी सही है, दिनांक आ रही है, इस तारीख का यह ऑर्डर आ चुका है। संशोधित आदेश है नहीं यहाँ पर, इसलिए दोनों रिक्त हैं। जिस पद के लिए तो वो प्रिंसिपल ही आ चुका है, विषय खाली रहेगा प्रिंसिपल के लिए। और जिस स्थान के लिए कार्यमुक्त किया है वो स्थान भी शो हो रहा है, बिल्कुल सही है। जिला और ब्लॉक भी यहाँ पर सेलेक्ट सही किया गया है। नीचे कार्यमुक्ति की दिनांक आ रही है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आफ्टरनून कर दिया है, मतलब दोपहर के बाद यानी कि मध्यान्ह पश्चात मैंने इन्हें रिलीव किया है इसलिए, ठीक है। और उपभोग किए गए अवकाशों की संख्या 0 है, मैंने 0 ही कर रखा है, ठीक है। अब मैं इसे कंफर्म करूँगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक OTP जाएगी प्रिंसिपल के मोबाइल पर, तो ये OTP आपको ध्यान से देख लेनी है, और यहाँ मोबाइल पर भी जाएगा और उसके बाद ईमेल पर भी जाएगा। अगर मोबाइल पर नहीं आता है तो आप ईमेल पर चेक कर लें, तो OTP आती है उसे ध्यान से देख लें। OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये उपयुक्त कार्मिक वो रिलीव हो जाएगा। OTP मैंने यहाँ सक्सेसफुली फीड कर दिए, मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो OTP फेल हो जाएगी, आप पुनः यही प्रक्रिया वापस करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आदेश जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस आदेश को प्रिंट कर सकते हो, इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में प्रिंट नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट कुछ ही समय में। तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, जैसे वीडियो डालता हूँ आप इसका प्रिंट कैसे लेंगे इसका प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रिंट अच्छी तरह से शो नहीं हो। सेव एज PDF करता हूँ तो यहाँ पर ये देर वाले प्रॉब्लम शो हो रही है। तो इसे कैसे प्रिंट करना है इसका प्रोसेस मैं आगे जल्दी बताऊँगा आपको। अगर आप रिलीविंग ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो वापस होम टैब पर आ जाएं, 3 लाइंस पर क्लिक करें, कार्मिक पर जाएं, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर कार्मिक कार्य मुक्ति रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आपने जिसको भी कार्य मुक्त किया है वो शो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्थानांतरण पर मैंने इस कार्मिक को कार्य मुक्त किया था, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शाला दर्पण आदेश क्रमांक शो और बाकी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इनका ये जो ऑर्डर है वो यहाँ से निकाल दिया है। अब इसे प्रिंट कर सकते हैं आप सीधे, या फिर आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कार्य किया जाएगा। फिलहाल में तो आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पर संस्था प्रधान को रिलीव किया अपने स्कूल से, आप इसी तरह से रिलीव कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल है तो ये कार्य मोबाइल से भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सावधानी रखनी जरूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट, नमस्ते।